Dr. Bhimrao Ambedkar, also known as the Baba Saheb Ambedkar, he was born the 14th April 1891 in Mahabalipuram in the Madhya Pradesh. Dr. Baba Saheb Ambedkar was a great social reformer, justice, economic politician, and the philosopher. He is the father of the Indian Constitution. Ramji Maharaj's sekta was the subedar in Indian Army. His mother's name was the Bhima Bai. Sakpal. He was married to the Ramabai in year of 1906. He completed his post graduation from the Columbia University and London School of the Economics. Dr. Bhimrao Ambedkar became the first law minister of the India. He is introduced separate or reserved seat for the all low caste to the promote their status in society. He is also called the Messiah of the Dalit. He adopted Buddhism. In Nagarpur in the 1956, he was a very against caste discrimination. In the 1956, he died due to illness. He was given the title of the Bharat Ratna in 1906. Thank you. कि कुरान कहती है मुसलमान बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, कि भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, मगर बाबा साहेब का संविधान कहता है कि इंसान बनो। तो बहुत हुए पर ईमान ना हुआ। सभी बच्चों ने काफी अच्छे से बताया और सभी को पता तो चल ही गया है इनकी डिटेल्स के बारे में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भारतीय संविधान के ऊपर गर्व होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस संविधान में हमारे पास ऐसे ऐसे राइट्स भी हैं जिनसे हम क्या है आगे कहीं ना कहीं अपील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को किसी चीज का आरोपी बनाया जाता है तो हम क्या है उसकी अपील भी कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं? कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे एक बार गवर्नमेंट की तरफ से फैसला आ जाता है उसको फाइनल फैसला माना जाता है। पता है आप लोगों को, आप सऊदी अरब में चले जाओ, है ना, दक्षिण कोरिया में चले जाओ, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक बार जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले लिया वो एक फाइनल होता है। किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई भी एक्शन ले लिया वो फाइनल होता है, उसके ऊपर आप कोई भी अपील नहीं कर सकते। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा है, आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं जिससे कि आप क्या है दोबारा से अपील कर सकते हैं। जैसे कि आपके साथ कोई अन्याय होता है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, क्योंकि ये सब क्या है भारत के ही संविधान में इसको मान्यता दी गई है। तो मैं बस इतना सा ही कहना चाहूंगा कि हमें भारत के संविधान के ऊपर गर्व होना चाहिए, ठीक है।